Hey guys, welcome back with the new vlog, और आप देख रहे हैं शेफ चोपी के व्लॉग। ताऊ का लौंडा आ रहा है 1500 रुपए में, पता नहीं क्या पाल लग रहा। 8 मिनट का टाइम रह रहा बस। आईफोन 14 प्रो 1592 रुपए का, बाई नाउ करके देखते हैं भाई। डिस्काउंट मिल रहा 1,02,408 रुपए का भाई, देख के लग रहा कंटिन्यू कर दिया। गाइस 1500 रुपए लुटेंगे, मजा ऐसा लग रहा। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ले रिस्क। वैसे मेरे को लग रहा कि ये फ्रॉड है, बिल्कुल विश्वास हो तो कर दूंगा। 10 किलो पेडिग्री मंगा लेती, 1 रुपए में 10 किलो पेडिग्री। लू कहता भाई लोकल फ्लिपकार्ट है। इसने सोचा कि पता नहीं क्या मिल गया, 1500 रुपए में 1 लाख का फोन मिलेगा। अगर ऐसा होता तो यार 20-30 फोन एक मिनट में बुक हो जाते। अपनी दादी को लेने के लिए चल पड़ा, नए कपड़े पहन गए। पीकू भी जा रहा तेरे साथ। गाइस जो उम्मीद मैंने कभी करी नहीं थी तारी वापस है, आज वो उम्मीद का पर्दा फाश हो गया। ये मजा इसलिए लेके गई अपने साथ मंदिर में ताकि मैं इसकी रील बना सकूं। उठा ले रे बाबा, उठा ले। इसलिए लेके गई मैं आपको। जिन्हों क्या मजा है, एक रील बना दो मगर भगवान का नाम तो ले ले। इन्हों क्या नहीं पहले बना दो। जिंदगी में मिस्त्री बहुत मिले, पर ऐसे ऐसे मिस्त्री मिले हैं मुझे आज तक। जो भी मिस्त्री मिला ना, कंप्यूटर ही मिला, कंप्यूटर नहीं बोल सकते उन्हें, समझ गए होंगे तुम क्या बोल सके। अपने मिनी जू का काम ऐसे ही अधूरा है। ये भी ये कह रहे कि कब हमें हमारे नए घर में भेजेगा। गाइस भी अपने गैंग के भाई लोग आए हुए मिलने के लिए। भाई लोगों ने भाई पहले वीडियो कॉल भी कर दी भाई के पास। माँ तो मम्मी भी घनी बड़ी फैन है सच्चू। मम्मी देखो कौन है। राम राम जी। भाई देख झूठ तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा बाय बाय। गाइस सब ये कह रहे कि पापा के साथ एक प्रैंक कर दो। वो गाड़ी वाला ऐसा प्रैंक कोई ऐसा ही था, वो गाड़ी वाला था ऐसा। गाइस कर दे प्रैंक, एक सुन दूसरे ब्याह का प्रैंक। अरे यार भाई ये तो यू करता कटवाओगे भाई। ठीक है भाई, ज्यादातर सब कह रहे कि पापा के साथ एक प्रैंक कर दो तगड़ा सा। चलो भाई प्रैंक प्लान करते हैं, और पापा के साथ इतना तगड़ा प्रैंक करते हैं पहले वाले से भी तगड़ा। भाई लूसी ने देख लो व्यू की गाड़ी का क्या हाल कर दिया। पहले तो टायर खाए एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अब ऊपर से भी खाना शुरू कर दिया। इस गाड़ी को ऊपर से भी खाना शुरू कर दिया। ये चबा चबा के ये देख लो क्या हाल कर रहे। लूसी ने ऐसे करने में मुमाई रहा है। आज तक पीकू ने और एल्फा ने घर में कोई भी नुकसान का काम नहीं करा, जब से लूसी आ रही ना हर टाइम नुकसान का काम करा है। एल्फा को बाहर घुमाने के लिए नहीं ले जाने की, उसकी तबीयत ना थोड़ी सी खराब है। अब वो टक्कर मार दी मेरे, अभी पहले लेके जा रहा हूँ पीकू को और लूसी को एक साथ घुमाने के लिए। वो नॉर्मली घुमा के लेके आ गया, और उसे ना बिल्कुल आराम करने के लिए अलग छोड़ दिया, क्योंकि लूसी ना हर किसी को परेशान करती रहा। पीकू का ट्रैक्टर उठा के अपने मुंह में लेके चबा चबा के इसने अलग ही कर दिया ये ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की अगाड़ी तोड़ दी और पिछाड़ी पता नहीं कहाँ है। गाइस व्यू भी आ गया, अब ये भी चलेगा साथ में, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। गाइस लूसी गई भाग, क्योंकि उसके ना उसका ना प्रेशर बना हुआ था। जान दे। चलो चलो ओ लिया पीकू को। गाइस लूसी भागी घर से, पता क्यों भागी? मैंने ना एक बात अभी नोट करी, उसका ना प्रेशर बना हुआ था तो ये घर कर रही थी ना, तो सीधा घर से भागी। एक चीज अभी दिखाऊंगा देखो तुम्हें, नोट करना तुम अभी। अबे भागी गई क्या वो? ओए पीटू को वोरी 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 वोरी। आजा लूसी आजा। गाइस ये देखो, ये नोट करो भाई, इसका प्रेशर बनना था, यहाँ आके इसने पोटी करी। तुम ये देख लो लूसी ना घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं करती, बट हाँ रात के टाइम करता है कभी कभी। अभी से खुला ले जाना, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ओए पीकू का पट्टा लेगा। ये भी लूसी को भी खुला छोड़ दिया, पीकू को भी, क्योंकि पीकू का पट्टा लूसी के गले में डालना पड़ेगा। अब तक मैं से बुला रहा था, अब तक तो ये मेरे पास नहीं आती, अब देखना अब मैं से बुलाऊंगा ना तब मेरे पास आ जाएगी। ए लूसी रुक जा अभी, इधर आ। ये देख लो तुम, आ गई ना मेरे पास। पहले मैंने इतनी कोशिश करी से बुलाने की, आजा वापस आजा, भागा भी मैं इसके पीछे, लेकिन रुकी नहीं बिल्कुल भी। पहले अपना प्रेशर का काम पूरा करके उसके बाद ये मेरे पास आई। जैसा भी नहीं आएगी, किसी के घर के बाहर कर देगी भाई। जंगलों में आके करा है, मतलब जहाँ पे ऐसा लगा है ना कि हाँ यहाँ किसी का घर नहीं है, बिल्कुल सुनसान सी जगह है, वही करे आके। हम शमशान घाट में थे, तीन गोल गोल से डैडू में अभी बहुत सा देखा था हमने। कितना बड़ा था? रोने के बाद किस टाइम? कल हम चैलेंज में थे, इन्होंने कोई भूत की आवाज सुनी होगी। व्यू आजा जल्दी, और लूसी को कुत्ते लगवा के घर लेके चलेंगे वापस। उसके बाद लेके आएंगे अलीटा को, आज ना अलीटा की थोड़ी बहुत वॉकिंग कराएंगे, कल तो कम ही कराई थी, आज कराएंगे, क्योंकि अब ना उसकी प्रॉपर वॉकिंग करानी पड़ेगी। ज्यादातर टाइम वो क्या है ना बिल्कुल अलग रहे, सेपरेट रहे सबसे, तो उसको टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आते ही सबसे पहले एक्सरसाइज करवाओ पीकू की, डल्ले उठा उठा के फेंकेगा नहर में। गैल कूद जाएगा तू भी, कौन है तू? ये दोनों तो पूरी स्विमिंग करके एक्सरसाइज कर ले, बाकी एबीपीटी पिटबुल की एक्सरसाइज भाई रनिंग करा के करानी पड़े, वरना अगर उन्हें भी पानी से डर ना लगे ना, तो ये एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका हुआ है। इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट हुआ है। पीकू के अंदर इतना सारा स्टेमिना इसीलिए बना हुआ क्योंकि पीकू ना भाई स्विमिंग सबसे ज्यादा करा है। पीकू बुला ले। यू कह रहा पीकू लूसी आजा, आ तो रहे नहीं, चला फेंक आओगे, तू तो नहीं गिरने का। गाइस इन्हें घुमाने के बाद मार्केट में भी जाना पड़ेगा। उसी पता नहीं क्या समझाओ जाए यार इन्हें, भोंग मौके इन्हें रोकने की कोशिश करे जब ये कुछ गलत काम करे। नू कह रहे परा ओले, ओए इसकी सुसु मत देखो, चलो परे को।
पीकू को भी सर हमारी अपनी सूसु करते हुए सूसु नहीं दिखा रहा। ये देख लो कैसे टुकड़े कर लग रहा है ईंट के। अब ना पीकू ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है, ईंट के ना छोटे छोटे टुकड़े बना दे। इसकी ना ग्रिप एक्सरसाइज बहुत कम करवा रहा मैं, जानबूझ के ही नहीं करवा रहा। गर्मी ज्यादा हुआ है और गर्मी में इसकी एक्सरसाइज करवाने से इसे ज्यादा दिक्कत हुआ है। पीके पापा क्या बोला तूने? पीके पापा मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे। अल्फा गार्डिंग कर रहा है बहुत तगड़े वाले। अगर हम नहीं है ना घर में तो किसी को घुसने नहीं देता अंदर। ये भी अच्छा हुआ कि अल्फा अब आया नीचे, वरना इनके साथ नॉर्मली यहीं लेट जाएगा। अब टाइम हो गया अलीटा को बाहर ले जाने का। उसका नाम ना अलीटा भी है, खबीशी भी है, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट करके बताना। ये भी अलीटा को लेके चलते हैं और आज ना व्यू बैठ गया आगे। अलीटा को बैठाना सिखाना था आगे लेकिन ये बैठ नहीं सकता। कम ऑन। अलीटा को नॉर्मल घुमा रहे, थोड़ी थोड़ी रनिंग करवा ली इसकी हल्की हल्की। और गाइज अभी ना मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, अभी से इसके अंदर कितनी मसल्स है चेक करो भाई तुम इसकी मस्कुलरिटी। अभी से क्योंकि ये वाली रील बनने लगी थी, आप देखना इसे एक चीज नोट करना। ये आ रहा था सीधा चलता हुआ और वापस घूम गया, इसे कीड़ी दिखी और कीड़ी के ऊपर ऐसे पैर मार के आया। टाइगर भी आ गया, आज देखते हैं अलीटा को खुला छोड़ के इसके साथ दोस्ती करेगी या फिर पंगा लेगी। रिस्क नहीं ले रहे हैं इसे खुला छोड़ने का क्योंकि सब मना कर रहे हैं। अलीटा के अंदर फुर्ती देखो कितनी ज्यादा है, ये देख लो। ओ भाई टक्कर मार दी इसके ऊपर। अब नहीं नहीं गाइस इसीलिए मैं इसे खुला नहीं छोड़ रहा क्योंकि मजाक मस्ती में पता नहीं चलने का कब क्या हो जाए। नहीं ज्यादा खुला नहीं छोड़ रहा मैं अभी। अब तो राय ऐसा कि खेल रही लेकिन इसके कमर के बाल खड़े हो गए, ये देख लो भाई कितने ऊपर उछल गई। ओ इसके ऊपर कोई कूद गई। अब नहीं पंगा मत लिए। गाइस आज इसकी ये ट्रेनिंग भी करानी थी आगे बैठाने की लेकिन मीटर ने पहले ही सीट कब जा रखी। अलीटा को बिठा ले। कहाँ बिठाओगा? गाइस अभी इसे रेस्क्यू पिटबुल से भी मिलवा के लाता हूँ। जिस आंख में इसके घाव था वो आंख तो बिल्कुल सही होगी, दूसरे वाली आंख में ढीड आ रही बस। गाइस इसे खाने में दवाई रख के दी थी लेकिन वो खाना इसने खाया ही नहीं। इसे ना अब दवाई यार डायरेक्ट मुंह में भी नहीं दे सकते, किसी मिट्टी चीज में से दवाई देनी पड़ेगी। गाइस अभी मार्केट में तो आगे, अब जा रहे हैं सबसे पहले पट्टे खरीदने के लिए, पट्टे और चैन, और उसके बाद फीड वगैरह लेना है, हड्डी वगैरह लेनी है, कैल्शियम लेना है, मल्टीविटामिन लेना है, बहुत सारा सामान है। और ये सामान इसलिए आए इतनी तेजी से लेने के लिए क्योंकि ना भाई काफी टाइम हो गया खत्म हुए। अब अलीटा को अल्फा को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि उनकी ना ज्यादा एक्सरसाइज होने लगी। ब्लैक कलर का पट्टा भी ले लिया जो लूसी के लिए था और चैन भी ले ली। चलो गाइस अब लेते हैं फीड वगैरह। अभी जितना भी सामान लिया है सारा का सारा इस पेटी में पैक कर लिया, इस पेटी में सारा सामान है, घर जाकर दिखाऊंगा। आज देखो भाई खेल देखने के लिए कितनी भीड़ लग रही है हमारे गाँव में, तगड़ा गेम चल रहा है यहाँ तो। दोबारा अभी सबसे ऊपर आके बैठ गए क्योंकि नीचे ना गुड बच गए थे, अभी आपस में लड़ाई हो गई थी तगड़े वाली। गिनती करना लग रहा है बैठ के कि टोटल कितने आदमी आए, लगभग 500 या 1000 आदमी तो होंगे।